Dear students, Assalamu Alaikum. Today is a continuation of our lecture on accounts payable. In previous lectures, we learnt that the accounts payable department is one of the most important departments in your company because that department keeps track of all the payments being made through your accounting system. Accounts department, Nasirf, vendors. जो बड़े हैं और जो कंपनी से हम सर्विसेज ले रहे हैं या जिन कंपनियों से हम गुड्स ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है और टैक्स जो हम जमा करा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखता है बल्कि इसके साथ साथ ये तमाम छोटी छोटी पेमेंट्स का भी रिकॉर्ड रखता है हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें या अशिया जो हम ले रहे हैं हो सकता है उसकी मालियत बहुत ना हो लेकिन जो हम खरीद रहे हैं वो हम अपने कस्टमर्स के लिए खरीद रहे हो बल्कि अपने दफ्तर के लिए ले रहे हो इसकी बहुत सारी मिसालें मिसाल, मिसाल ये है कि स्टेशनरी ये तमाम चीज़ें आप अपने दफ्तर के इस्तेमाल में लाते हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें चाय चीनी इस तरह की बहुत सारी अशिया है जो कि दफ्तरी इस्तेमाल में आती हैं और इनका बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं रखा जाता क्योंकि ये कंज्यूमेबल है और इस्तेमाल हो जाती हैं इसी तरह जो ऑफिस की गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में ट्रकों बसों में फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका भी रिकॉर्ड रखना होता है लेकिन इस चीज़ का बहुत दफ़ा कंपनियां ध्यान नहीं देती लेकिन अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका ध्यान रखें और इसका ध्यान दें और इसकी एनालिसिस करके मैनेजमेंट को देते रहें ताकि हमें ये पता चल सके कि हम इन अशिया पे कितने अखराज कर रहे हैं और अगर ये बढ़ रही हैं तो किस परसेंटेज से बढ़ रही हैं किस रफ्तार से बढ़ रही हैं अगर बढ़ रही हैं तो क्या इसकी कोई वजह भी है या ये मिस हो रही हैं ये तमाम चीज़ें ट्रैक रखने के लिए ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट को विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है ये छोटी छोटी ख़र्चे बाद में जाके स्नोबॉल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये बड़े ख़र्चे में तब्दील हो सकते हैं इसलिए इनका ट्रैक रखना और ये देखना कि अगर कहीं लॉसेस हो रहे हैं कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है चीज़ें तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई डिपार्टमेंट एच का डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट टेली मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो ऑबियस है कि ज़्यादातर फ़ोन कॉलें या यूटिलिटी बिल जो बड़ा होगा वो यकन आपका टेली मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आएगा अगर आपके एच आर डिपार्टमेंट का बिल बढ़ना शुरू हो गया तो ये तशवीश की बात है ये तमाम चीज़ें ट्रैक करना मैनेजमेंट की नोटिस में लाना अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का एक काम है इसके अलावा अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट अगर आपका रोबस्टली काम कर रहा है अच्छी तरह से काम करता है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वेंडर को अपनी पेमेंट्स के लिए रिकवरी के लिए दर बदर नहीं भागना पड़ता और वो आपको बेहतर से बेहतर क्रेडिट टर्म्स देने के लिए तैयार हो जाता है जो कंपनियां वक्त पे पेमेंट करती हैं उनको वेंडर्स प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं उनको बेटर टर्म्स देते हैं और यहाँ तक कि बज दफ़ा बेटर प्राइस भी देते हैं एक और चीज़ कि जब हमारे पास इम्पोर्ट्स होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें तो इस पूरी चीज़ का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कब हमने एल सी खोली कब वहाँ से सप्लाई शिप हुई कब पहुँचेंगी कब एल सी मिच्योर होगी और कब हम तक पहुँचेंगी इन तमाम चीज़ों का ट्रैक रखना अकाउंट्स पेपर डिपार्टमेंट के अंदर एक सेक्शन होगा जो ये सारा ट्रैक रख रहा होगा रीज़न बीइंग कि अगर हमने कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट की है और वो एक हज़ार रुपये की है तो हम उसे एक हज़ार दस रुपये में नहीं बेचेंगे और वो हमें एक हज़ार दस रुपये की कॉस्ट भी नहीं कर रही होगी रीज़न बीइंग कि चीज़ एक हज़ार की है लेकिन उसके ऊपर नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है उसके बाद अगर ड्यूटीज़ हैं तो ड्यूटीज़ पे की हैं और जब भी उसे क्लियर करवा के हमारे पास भेजा गया है तो इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन तमाम कॉस्टों को मिलाकर आपको उस चीज़ की असल प्राइस पता चलेगी जो आपने इम्पोर्ट की है और इसका तखमीना इम्पोर्ट से पहले लगाना भी अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट का, का काम है कि वो एस्टिमेट करे कि ये चीज़ हमें कितने में कॉस्ट करेगी टू इंपोर्ट आपको याद होगा कि हम क्विक बुक्स में एस्टिमेट भी बना सकते हैं तो दिस एस्टिमेट बेसिकली हेल्प्स आर अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट टू आउट हाउ मच एन आइटम और अ प्रोडक्ट इज गोइंग टू कॉस्ट अस इफ़ वी इट फ्रॉम ओवरसीज अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें कॉस्ट कितना करना है और ये तमाम काम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का है इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट एक की डिपार्टमेंट है विद इन योर अकाउंट और इसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल सके इसी तरह हमने ये भी कंपेयर करने में आसानी हो जाती है कि इम्पोर्ट करके जो चीज़ बाहर हमें लगता है कि सस्ती मिल रही है हमें लैंडेड प्राइस जो हमारे घर पहुंच के इसकी प्राइस होगी वो कितनी होगी और अगर हमने लोकली ये चीज़ ली तो वो किस प्राइस की होगी और तीसरी चीज़ अगर हम लोकली किसी इम्पोर्टर से ये चीज़ ले लें तो वो कितने की पड़ेगी ये तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करना अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का काम इसके अलावा आप ये देखते होंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने मुख्तलिफ वेंडर से लेते हैं और उस चीज़ की कॉस्ट हमें बताई जाती है कि प्राइस ये है लेकिन ये सिर्फ प्राइस नहीं होती इसकी लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग की भी कॉस्ट होती है अगर आपके पास कंटेनर भर के कोई प्रोडक्ट आ रही है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंटेनर को भरना उसको ट्रक में ट्रांसपोर्ट करना और जब आपके पास वो चीज़ पहुंच गई तो उसको अनलोड करना ये तमाम खर्चे हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने हैं कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग ये सारी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट कर रहा है इसी तरह से हमें जितनी बिल पेमेंट्स जितनी अदर पेमेंट्स जितनी टैक्स पेमेंट्स करनी है उन सब का रिकॉर्ड आपका अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट रख रहा है नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो द टाइम एट विच दीज टाइमली पेमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है क्यों नंबर वन पेनल्टी से बचाती हैं नंबर टू हमें डिस्काउंट अवेल करने का मौका देती हैं और नंबर थ्री जिसको भी हम टाइमली पेमेंट करते हैं वो हमारा रिपीट वेंडर बनने के लिए तैयार हो जाता है हमारे पास मार्केट रिप्यूट बनती है अगर दो कंपनियां एक ही किस्म के काम कर रही हों और उनके पास वेंडर्स भी एक ही टाइप के हों आप खुद सोचें एक कंपनी टाइमली पेमेंट कर रही है और एक कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं कर रही वेंडर्स कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे नंबर वन बेहतर क्रेडिट किसको देंगे नंबर टू और अगर प्राइस डिस्काउंट देना है तो किस कंपनी को देंगे यकीन उस कंपनी को देंगे जो आपको टाइमली पेमेंट कर रही है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अकाउंट्स पेएबल क्यों ज़रूरी है और जैसे कि हमने वेंडर्स में पढ़ा वेंडर्स को हम उतना ही अहमियत देते हैं जितना अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को एज़ फार एज़ क्विक बुक्स इज़ कंसर्न प्लीज़ रिमेंबर दैट एनी वन और एनी एंटिटी टू विच वी हैव टू मेक अ पेमेंट इज़ बेसिकली वेंडर फॉर क्विक बुक्स ज़रूरी नहीं कि ये वही एंटिटी हो जो हमें सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रही है ये गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं ऑडिट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज वो जिनके लिए हम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो कट कर रहे हैं अपने वेंडर की पेमेंट से इन तमाम के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल होती है क्विक बुक्स में दैट इज वेंडर हुए इज बींग पेड इन क्विक बुक्स इज रेफर टू एज वेंडर टू इट अप रोबस्ट अकाउंट्स पेबल नॉट ओनली इंडलज एन कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेमेंट्स वी हैव मेड बट ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ वेन टू मेक अ पेमेंट हाउ मस्ट टू पे एंड ऑन वॉट बेसिस किस बुनियाद पर पे हमने पेमेंट देनी है क्या वो सारी चीजें चेक हो गई कितनी पेमेंट देनी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट कब देनी है वो डेट जिस पे ये पेमेंट करनी है ये तमाम ट्रैक रख के हम समरी और पेमेंट्स का शेड्यूल मैनेजमेंट को देते हैं ड्यू डेट अब आपको अंदाजा हो चुका होगा क्यों ज़रूरी है लेट पेनल्टी से बचने के लिए और डिस्काउंट अवेल करने के लिए और अपने आप को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए इसी तरह से हमें यह भी कीप ट्रैक करना होता है कि ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं वेंडर के पास से उसमें से कोई चीज़ डिफेक्टिव तो नहीं थी अगर डिफेक्टिव थी तो क्या ये वापस कर दी गई है और अगर वापस कर दी गई है तो क्या उसकी पेमेंट करनी है और अगर नहीं करनी है तो कितनी कटौती करनी है ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मेंटेन करना है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर आप चीज़ें इम्पोर्ट करना है पूरी एलसी की तमाम कॉस्टिंग आपने करनी है इसी तरह जो गुड्स आपके पास आ रहे हैं और जो उस पर एक्स्ट्रा अखराजात हो रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी के साथ साथ जितनी हम टैक्स पेमेंटें कर रहे हैं उसका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि हमने किस किस वेंडर के कितने कितने पैसे एज़ टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराए हैं और वेंडर्स को उसका लेजर और उसका टैक्स डिटेल हम एज एंड वेन रिक्वायर्ड देते हैं ये तमाम चीज़ें एक डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और विजिलेंटली काम करने से ही कंप्लीटली अंडर कंट्रोल आ सकती हैं और ये पॉसिबली उस वक्त होता है जब आपके पास एक रोबस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम हो जो आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन विद अलर्ट्स फरहम करे नहीं तो ये रिटन इन्फॉर्मेशन बज दफ़ा ओवरलुक हो जाती है जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं खास तौर पर ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कैप्ट एंड विजिलेंटली मॉनिटर्ड एट ऑल टाइम्स नाउ टू कंक्लूड द अकाउंट्स पीपल डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स विद इन योर अकाउंट्स Department, it checks the quality, makes timely payments, is ever ready for audit, and ensures that your company is getting a good deal out of all the services and goods that it is receiving from the vendors. And also that your vendors are happy and you have good relations with all government agencies for whom you have collected. And basically, remitted tax to the government agencies.